हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर एनिमेशन में। आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही आवश्यक हो गया है, जो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में पहला स्थान ला चुकी है। दिल्ली जो है अभी दुनिया का सबसे दूषित शहर हो चुका है, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 को पार कर गया है, जो कि बहुत ही हैजार्डियस कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में आदमी को सांस लेना, क्या जीना जो है हराम हो चुका है। बिल्कुल आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा, और सारे मतलब जो भी लोग वहाँ के हैं धीरे धीरे लंग्स डिजीज से सफ़र करेंगे, और धीरे धीरे करके काफ़ी सारी खतरनाक बीमारियाँ उनके शरीर में आएंगी। आज हम एयर पॉल्यूशन के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एयर पॉल्यूशन के वजह से जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए हम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या रेंज होता है, कि कितना से कितना होना गुड है और कितना से कितना होना मॉडरेट है या अनहेल्दी है या हैजार्डियस है, और भारत के कुछ मुख्य राज्यों का हम जानकारी देंगे कि कहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित है और कहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छा है या सबसे गुड है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के अंदर है तो उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट का एयर पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स 11 है। मुजफ्फरनगर जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 11 है, जो सबसे बेहतर है। अभी पूरे भारत में सबसे शुद्ध जगह अगर कोई है तो वो है मुजफ्फरनगर। 50 से 100 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसको मॉडरेट में माना जाएगा, जो कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं मैक्सिमम भारत के जो मॉडरेट के रेंज में हैं। अगर 100 से 150 के बीच में है तो वो अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप हो गया, कि कुछ साइन एंड सिम्टम आने शुरू हो गए। और अगर 150 से 200 के बीच में है तो वो अनहेल्दी हो गया, मतलब आपको जो है बीमार होना शुरू हो जाएंगे या कोई दिक्कत परेशानी आने लगेगी सांस लेने में। अगर 200 से 300 के बीच में है तो वेरी अनहेल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया, उसमें जो है आदमी काफ़ी तकलीफ होने लगेगा। अगर 300 से ऑनवर्ड है, ऊपर है, तो काफ़ी हैजार्डियस कंडीशन हो गया, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो गया। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप दिन में 40 सिगरेट पी रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके शरीर पे है, उतना प्रभाव आपको वहाँ के दिन भर में सांस लेने में जो है होगा। खास करके दिल्ली का जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 एवव है, जो कि बहुत ही हैजार्डियस कंडीशन है, और वहाँ के लोगों को सांस लेने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी खास करके सांस लेने के लिए लोगों को सांस खींचना पड़ रहा है, मतलब फ़ैन के आगे अपना नाक लगा के, ऐसी मतलब कंडीशन हो गई कि बिल्कुल सांस ही नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कंडीशन आ चुका है। वैसे कंडीशन में कुछ होम्योपैथिक दवा जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, खास करके उस समय के लिए। वो तो टेम्पोररी रिलीफ देगा आपको, लेकिन अगर आपको इस परेशानी से जड़ से निजात चाहिए तो उसका मात्र और एकमात्र सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कभी दूर नहीं होगा। आप पेड़ लगाना शुरू करिए, धीरे धीरे वो जो है नाइट्रोजन या जो भी हानिकारक गैसें हैं उनको वातावरण से ऑब्जर्व करेगा और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे हमें सांस लेने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवा बताएंगे जिससे आपको एयर पोल्यूशन से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहली जो हमारी दवा है वो है एकोनाइट। एकोनाइट को 30 पोटेंसी में तब इस्तेमाल करना है अगर आपको दम फूलने लगे अचानक से, और जो है आप सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, चल रहे हैं बिल्कुल सांस आपका तेज़ी से चलने लगे, सांस लिया ही ना जाए, और प्यास काफ़ी तेज़ी से लगे, मुंह सूखता हो, डर लगता हो, वैसे कंडीशन में आपको एकोनाइट 30 को आधे आधे घंटे में
दो से तीन खुराक लेने पे आपको उस समय जो प्रेजेंट कंप्लेन है या जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। दूसरी जो दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज को भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता हो, खींचना पड़ता हो, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना एक इनवॉलेंट्री प्रक्रिया है, वो स्वयं स्वतः होते रहता है। आदमी को सांस लेना या छोड़ना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि सांस आपको खींचना पड़ता हो लेने के लिए, खास करके इंस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, लगता हो कि एकदम चेहरे के पास से हमको कोई हवा करते रहे, वैसे कंडीशन में आपको कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में आधे आधे घंटे में तीन खुराक लेना हो, और जो है आपकी उस समय की परेशानी आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। फिर उसको जो है डेली सुबह दोपहर शाम करके इस्तेमाल करें। तीसरी जो हमारी दवा है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको सांस लेने के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ हो और साथ में बेचैनी हो, काफ़ी घबराहट हो, काफ़ी डर लगता हो और प्यास काफ़ी लगता हो लेकिन कम पानी पीने की चाहत हो, मतलब मुंह सूखता हो, बार बार आपको पानी पीने की चाहत हो थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी कम समय पे, काफ़ी बेचैनी हो, काफ़ी घबराहट हो, बिल्कुल सांस लिया ना जाता हो, वैसे कंडीशन में आर्सेनिक को 30 पोटेंसी में आधे आधे घंटे पे तीन बार लें। और रेगुलर अगर इस्तेमाल करना है तो आपको सुबह, दोपहर, शाम तीन बार 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। जो भी दवा बताया हमने, ये जो है आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके अगर लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ये थी कुछ मुख्य जानकारी, खास करके एयर पोल्यूशन के संबंध में। आशा करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। जो लोग एयर पोल्यूशन एरिया में अभी हैं, खास करके दिल्ली, पटना और जो भी जहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऑनवर्ड है, ऊपर हैं, वैसे लोग इस दवा को इस्तेमाल करें या अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जो आपको एयर पोल्यूशन से मतलब कुछ समय के लिए आराम ज़रूर देंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगी। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।